नहीं है, यहाँ पे स्नो गिर रही है। दूध पीना है, दूध दूध दोबारा जब लौटोगे ना तो मेरे को सुपरमैन वाली ब्रेस्ट। तो मैं दोबारा से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि जो पहले रिकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं और शोट तो बहुत सारे रिकॉर्ड किए थे पर ना ये महारानी ने पता नहीं क्या खींच किया कि सारे के सारे वीडियो थे तो सब डिलीट हो गई है। तो टाइम की बात की जाए तो हो रहा है टाइम इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। लंच करता हूँ फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे और इनकी क्लास लगाता हूँ, सारा डेटा उड़ा दिया है मैंने। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर दिया, गुड इवनिंग चक्कर के अंदर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आज हो रही है सिमरन नए व्लॉग की। मैं दोबारा से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि जो पहले रिकॉर्डिंग की थी ना वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग इन्होंने डिलीट कर दी है जो जयपुर से दिल्ली तक पहुँचने की थी। तो जो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने की डिलीट हो गई। अभी हम है ओल्ड दिल्ली के अंदर, यहाँ से हम जा रहे हैं कश्मीरी गेट। इस लड़की का बिल्कुल व्लॉग नहीं है। तो अब यहाँ से हम कश्मीरी गेट जा रहे हैं, ऑटो करेंगे, ऑटो करके कश्मीरी गेट पहुँचेंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे। तो पहले एक बार वहाँ कश्मीरी गेट पहुँचते हैं फिर आगे की डिस्कशन करते हैं या बात करते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, हम कहाँ जा रहे हैं वो सस्पेंस। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों की वीडियो में आपको क्या अच्छा क्या बुरा लगा। तो चलिए स्टार्ट करें, चले फटाफट फटाफट क्योंकि वैसे टाइम बहुत है, हम पहुँचे हैं 5 बजे करीब। एक बार मास्क लगा लेते हैं क्योंकि चलान कट जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो वैसे टाइम देखा जाए तो बहुत है, 2 घंटे हैं हमारे पास में। वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, कंटिन्यू आप ब्लॉग में बने रहो, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। 4 नंबर मेट्रो पिलर है यहाँ पे, मतलब है ना कश्मीरी गेट 4 नंबर पिलर के पास में ही है, भारत पेट्रोल पंप आता है, आप वहाँ पे आ जाओगे और वहाँ से आपको मनाली के लिए बस मिल जाएगी। तो खैर बस आती है फिर हम बुकिंग हमने पहले से कंफर्म कर ली थी इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और बुकिंग का बेनिफिट क्या हो गया वो मैं आपको बस में बैठ के बताऊंगा, थोड़ा साउंड है यहाँ पे। तो बस आती है फिर मिलते हैं। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। ये अपनी बस है जो वैसे तो मैंने ऐप से बुक की थी पर बस का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, किस ऐप से की थी वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। पहले बस आपको बस दिखा रहा हूँ मैं कि एक बार आप बस देख लो कि अगर बुकिंग करते हैं तो किस टाइप की बस मिलती है। बस कहाँ पे आती है, भारत पेट्रोलियम है वहाँ पे। बजट इस बजट के अंदर अगर आपको ऐसी बस मिल रही है तो बहुत अच्छी है। तो चलो थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर चल कर देखते हैं कि अंदर से बस कैसी दिख रही है। बाहर वैसे भी नॉइज़ ज़्यादा है, लगेज की फैसिलिटी यहाँ से बाहर अपने को मिल ही जाती है और जो सीट मैंने बुक की है। तो प्रॉपर बस पूरी की पूरी इस तरह से मिलती है जिस ऐप से बुक करते हैं, तो उसके बारे में आपको बाद में डिटेल दूंगा। सिमरन यहाँ पे बैठी हुई है, सुपरमैन वाली ब्रेस ये क्रैक हो गई है जब से बस में आई है। चलिए बाद में फिर आते हैं, मिलते हैं फिर वापस। रात का जो टाइम है 11 बजे का है और जो अपनी बस है इस समय वैसे तो पता नहीं किस जगह पर जहाँ पर भी है, शायद पंजाब उजाब के अंदर होंगे हम या हरियाणा से बाहर निकल रहे होंगे, जिधर भी है मौसम अगर देखा जाए ना। ये तो मैं खैर आप देखोगे तो फिल्टर लगा हुआ है, जितना सा क्लियर दिख रहा है उतना है नहीं। सामने यहाँ पर ना रोड है पूरी की पूरी जो पूरी की पूरी कवर हो रखी है धुंध से। और अभी बस चाय नाश्ते के लिए या जो भी खाना वाना खाना है उसके लिए रुके हैं। ये जगह है जहाँ पर हम स्टॉप कर रखा है, सिमरन अंदर गई हुई है तो चाय हम दोनों की रेडी है, चाय पियेंगे फिर आगे के लिए निकलेंगे। भैया मेरी है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गरम गरम चाय पियो, चाय चाय पियो जी चाय। तो चल रहे हैं, तो चाय का व्यू है, खाना वाना होगा शायद अच्छा, वो चाय पीते तो पता चल जाएगा इसमें कि चाय कैसी है। चाय बहुत प्यारी बनाई है। तो अब इस पेड़ पे देखो, यहाँ पे सब क्लियर दिख रहा है, अगर आप पेड़ पे देख रहे हो तो देख धुंध कैसे उड़ रही है और हवा कितनी चल रही है यहाँ पे। और जो हमारी माते हैं गुन्नू वहाँ पे सीट के ऊपर वहाँ पे सो रही है अंदर,
कुछ भी कोई भाई जबरदस्त है, मजे आए थे। मतलब जयपुर में ना थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लग गई थी और दोबारा वापस से ठंड का मौसम लेने के लिए आए। खाट देखो भाई, सब खाट पे बैठ के मजे इनके चल रहे हैं। लेटने के लिए नहीं है, यही तकिया वकिया लगा दो, दोबारा जब लौटोगे ना तो मेरे को लेते हुए चले जाना है। यही तो पंजाब, खटिया ही तो पंजाब की शान होती है। आपने ये मोटी सी कमर मत दिखाओ, चादर उधर दे दो मेरे को। ये काम सबसे ज्यादा सूट करता है, काम वाम छोड़ के ना ये काम शुरू कर दो। मैं तो कह रही हूँ चार पांच भैंसे ला के रख दो, मैं सुबह सुबह ना उनके लिए मैं घूम नहीं पाऊंगा, मैं नहीं। दूध पीना है वो बना दिया करूंगी, दूध पीना है, दूध दूध ना गरम गरम दूध 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 भागो यहाँ से। एक टाइम था कि अपनी जिंदगी ऐसी थी, ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये जो बीच में घुस गया ना हाथी, ऐसी बिल्कुल नहीं थी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बीच में कासा पूरा पूरा वो बैकग्राउंड खराब कर दिया मोटे ने घुस करके। क्या मोटे कहाँ घुस रहा है बीच में। एक टाइम ऐसा था कि हम छोटे थे ना, तो मैंने कंचियां भी खेलते देखा है, ये भी खेलते देखा है, और ये करते भी नहीं देखा है। नहीं, ये पोटी करते नहीं देखा है मैंने, मतलब मैं छुपके करता था पोटी खुले में। एक टाइम था कि जिंदगी जीते थे, पर आज है ना कहीं खो सी गई है। आज हम जो दुनिया की भाग दौड़ में निकल गए हैं, तो ये जिंदगी है ना, मतलब जो सुकून था ना उस टाइम के अंदर बचपन में कि हम छोटे मोटे खेल खेलते थे, वो अब कहीं बचा नहीं, दिखता नहीं है। ये देखो, अगर आपने भी अगर ऐसी जिंदगी जी है तो मुझे कमेंट करके बताना यार, क्योंकि ये देखा ना तो मैं थोड़ा सा अपने पास्ट में चला गया और मुझे लगा कि हाँ यार एक टाइम था ऐसा भी जो हमने बिताया था। आई होप सो आप सबने भी ऐसा टाइम जरूर बिताया होगा। मोटे बर्फ देख, पीछे बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। बर्फ के चक्कर में इतने पैसे खर्च हो गए मेरे। किसी भी मिली है वो नहीं है, बर्फ पड़ी पीछे बर्फ। मैं देखो, देखिए अभी तक की जो जर्नी है, अभी हम बीच रास्ते पहुंचे हुए, चाय वगैरह पिए थे। हाँ, अगर किसी को है ना मनाली घूमने जाना है, बस की बुकिंग करनी है, होटल की बुकिंग करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके बुक करिए, आपको सब कुछ ए टू जेड मिलेगा। जैसे अभी बस में एक बंदे के साथ में हुआ कि उसने मतलब ना लोकल साइड से जाके बुक कर लिया था और उस बंदे को ना उठा के उसने इस बस में शिफ्ट कर दिया, मतलब जिसने भी जहाँ से भी बुक किया था तो उसको ना इस बस में शिफ्ट किया, तो जिसके कारण वो बंदा बहुत परेशान हुआ। तो नीचे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, आप वहाँ पे जाइए, चेक करिए, होटल मनाली में बुक करना है उसके लिए बस की बुकिंग कर मिलती है, बस के लो कॉस्ट में आपको कैसे बस मिलेगी, और उसके अलावा आप ट्रेन की बुकिंग कैसे कर सकते हो, होटल्स की लो कॉस्ट में कैसे बुकिंग कर सकते हो, ये सब कुछ एक ही ऐप पे मिलता है। तो उससे क्या ट्रस्ट वाला होता है, मैंने खुद की बुकिंग भी इसी ऐप से की थी जिससे मुझे बहुत अच्छी सर्विस मिल रही है। तो नीचे जाइए, कब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक छोड़ा है, ज़रूर चेक करिएगा। गुड मॉर्निंग, तारीख आज 2 फरवरी है और अभी मंडी पहुंच चुके हैं। तो जस्ट अभी यहाँ पे बस रुकी है चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए, और सूरज अभी उदय हो रहे हैं, मतलब ऐसा तो टाइम से पहले बहुत जो यहाँ पे से जल्दी पहाड़ में हो जाते हैं, पर वो इस पहाड़ से छुपे हुए हैं। बस से मनाली पहुंच गए हैं, ये प्राइवेट बस स्टैंड है जहाँ पे वेट कर रहे हैं, और कुछ गाइड्स अपने को मिले हैं जिन्होंने मतलब बताया है कि भाई यहाँ से कुछ 100 रुपीज लगता है और उसके बाद में आप यहाँ से चले जाओगे मोल रोड। ये गाड़ी आई है, इसमें लगेज रख रहे हैं और जा रहे हैं, देखते हैं अगर होटल वगैरह सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ओल्ड मनाली में स्टे करने के लिए जाएंगे। जो भी होगा आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी बैठते हैं चल के। अभी 200 का आंकड़ा छूटता नहीं है, वैष्णो देवी में 204 मिला था, फिर आगे 200 का, तो अभी 200 का आंकड़ा सेट है। रूम नंबर 202 है, थोड़ा सा रूम पे और आपको दे रहा हूँ मैं। ये लोग वॉशरूम के लिए अंदर गए हैं,
अभी ज्यादा मेसी हुआ नहीं है, ये बेड है हमारा जिसमें मैं गुंडों को पटक पटक के मारूंगा पीटूंगा, ये सोफा है इस पर किसी को नहीं बैठाएंगे, हम कचरा फैलाएंगे। और जो सबसे बेस्ट चीज है ना आपको दिखाना चाहूंगा मैं, आप वो देखो, रूम से निकलते ही सामने पूरा का पूरा हिल्स। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी पर ये ना पूरा मौसम अभी खराब हो गया, मतलब ये ना बादल वगैरह आ गए हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा मतलब धुंधला लग रहा ही है। ये अभी थोड़ी देर पहले पूरा क्लीन था, यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो क्लीन था, धुंध आ गई थोड़ी सी, तो धुंध नहीं है, यहाँ पे स्नो गिर रही है। और अगर मौसम का अनुमान देखा जाए ना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो धुंध अभी आपको दिख रही है, तो ये जो मौसम का अनुमान देखा जाए तो लमसम 2 से 3 घंटे में मनाली में बर्फबारी होने वाली, मतलब स्नो गिरेगी। तो आज और कल दोनों दिन यहाँ पे अच्छी खासी स्नो होगी और हम इसके मजे लेंगे। तो भद्दो बहुत खुश है, इनको स्नो देखना था तो इनको ले आया गया, दिखाया गया। अब व्यू है, नदी बह रही है प्रॉपर, और ऊपर हिल्स है, मतलब यहाँ बालकनी में बैठ करके आप चाय पीते हुए और मस्त व्यू का नज़ारे का आनंद ले सकते हो, यहाँ पे चीज़ें शानदार हैं। और यार 800 रुपये मिला, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, और इतना बहुत ही बड़ा रूम दिया इन्होंने। इतने अच्छे व्यू के साथ में इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो मेरी मेहनत की है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बेल आइकन को ऑन पर सेट जरूर करना, और कमेंट करके बताना वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है दोस्तों, बहुत धांसू आएगा आपको, बहुत धांसू और बहुत मस्त आने वाला है। क्यों आएगा मस्त? क्योंकि पीछे आप देख रहे हो कैसा मौसम हो रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।